फ्रेंड्स, मैं हमेशा जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। जी हाँ बिल्कुल, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनाए रखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जो कि वीडियो आज लेके आया हूँ, वो सिम के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, जो सिम आपका मोबाइल में इंसर्ट हुआ है, आपने लगाया है सिम, ठीक है, वही सिम कार्ड। तो गाइस, वो सिम कार्ड आप लोग जानते हो, एक सिम कार्ड के वजह से आप लोग जेल भी जा सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, आजकल तो जितना भी क्राइम हो रहा है, जितना भी फ्रॉड हो रहा है, वो तो सिम की वजह से हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, सिम की वजह से किसी और ने किसी और के नाम से सिम निकल के फ्रॉड करते हैं, किसी और ने किसी दूसरे से ना दूसरे के नाम से सिम निकल के फ्रॉड करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो फ्रॉडरस्ट है ना, कभी किसी अपना जो खुद का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सिम निकल के फ्रॉड नहीं करते हैं, किसी दूसरे के नाम से सिम लेके और लोग फ्रॉड करते हैं या तो खरीद के लाते हैं। तो गाइस, आप लोग जानते हो कि आजकल जो सिम का बहुत सारा दुकान ऐसा है कि वो लोग खुलेआम सिम बेचा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर वहाँ चला जाएंगे, आप पैसे दे देंगे तो वो लोग सिम दे देता है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं, बस पैसे दे दीजिएगा, वो लोग सिम दे देगा। तो गाइस, ये जो सिम आप लोगों को दे देता है, ये किसी न किसी नाम से तो रजिस्टर्ड है ना, क्योंकि जो सिम कंपनी है, जो ट्राई है, वो तो किसी सिम अलॉटमेंट नहीं करता डॉक्यूमेंट्स के बगैर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी नाम पर सिम है। ठीक है, आप जो यूज़ कर रहे हो, आपने जो खरीद कर रहे हो, किसी ना किसी नाम से। तो गाइस, कहीं ये फ्रॉड आपके साथ भी तो नहीं हुआ है? कहीं ये जो सिम है, कहीं आपके नाम पर तो रजिस्टर्ड नहीं है? क्या पता है कि किसी ने आपका डॉक्यूमेंट्स यूज करके आपका नाम से सिम ले लिया हो और किसी फ्रॉड कर रहा हो, तो इसके वजह से जेल आपको जाना पड़े। तो गाइस, इसी की सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन आपको क्या कैसे पता चलेगा कि आपका नाम के कितना सिम रजिस्टर्ड है? ठीक है, कहाँ, अगर आपका दो तीन नाम रजिस्टर्ड है तो आप कैसे क्लोज करवा सकते हो, ये सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। ठीक है गाइस, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपके नाम में कितना सिम रजिस्टर्ड है, ठीक है, किस नंबर पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और क्लोज कैसे करेंगे, वो सिम आप बंद कैसे करेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने क्लोज नहीं किया हो ना, अगर आपके नाम से किसी दूसरे ने सिम निकल के यूज़ कर रही हो ना फ्रॉडले, तो इसके वजह से आप भी जेल जा सकती हो। ठीक है, तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे ये जो आपका जो नाम का सिम है, कितना अलॉटमेंट हुआ है आपका नाम का सिम, कितना कार्ड सिम का चल रहा है और आप बंद कैसे करवा सकते हो, ये सारा प्रोसेस मैं आपको मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, यही वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट से आप अपना जो आपका सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, आपका नाम पर कितना सिम रजिस्टर्ड हुआ है, ये सब आप लोग देख सकते हो। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो वेबसाइट है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हो, गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन TIFCOC टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे देख सकते हो टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पावरिंग कंज्यूमर स्टैंडिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर। तो गाइस, यहाँ पे आप जो यूज करते हो, आपका जो आपने खुद का डॉक्यूमेंट से सिम लिया है, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट से आपका सिम लिया है, जो भी आपका नाम का सिम है, उस सिम कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर स्टैंडिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो करंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान एंड टेलीकॉम कंज्यूमर्स। तो गाइस, ये सारा स्टेट के लिए फिलहाल अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, आप मैं आसाम से हूँ तो मैं भी आप लोगों को अभी लाइव दिखाऊंगा देख के। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लिए, केरला के लिए है, तो मैं आसाम का हूँ, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो कि आपके नाम का कितना सिम रजिस्टर है। ठीक है, तो उस यहाँ पे देख के आप फीडबैक भी, आप यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हो कि ये मैं यूज नहीं कर रहा, उसे बंद करना पड़ेगा। तो पहले इस वेबसाइट में आने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो इंटर हुआ मोबाइल नंबर, आपको सिंपली आपका जो जिस नाम का आपका जो मोबाइल नंबर है, उस नंबर का आपको यहाँ इंटर कर देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो नंबर था मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। ठीक है, अब जो मेरा आप लोग देख रहे हो, आप जैसे ही मेरा यहाँ पे इंटर कर दिया, जो मेरा नाम का डॉक्यूमेंट्स का सिम है, जैसे ही मैंने इंटर कर दिया, एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी देने के बाद मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है,
मेरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और कितना सिम है मेरा नाम पे, वो सारा यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ओटीपी वैलिडेट कर दिया है। जैसे मैंने ओटीपी वैलिडेट कर दिया, यहाँ पे देखिए मेरे नाम का अभी तीन तीन नंबर रजिस्टर्ड है गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए तो लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडीज, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मैंने एक ही नंबर एंटर किया था ना, यहाँ पे देखिए 7002625234 मैंने यही नंबर एंटर किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए तीन नंबर यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते, तो यू मे जस्ट सिलेक्ट द नंबर्स दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड एनी सबमिट योर रिपोर्ट। यहाँ पे आप लोग नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द नंबर्स यू नीड टू रिटेन। ठीक है, योर मोबाइल नंबर इज एक्टिवेट एज कॉर्पोरेट कनेक्शन, द ऑल रिलेटेड मोबाइल्स ऑफ योर कॉर्पोरेट विल बी लिस्टेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे नाम का तीन सिम है यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये जो दो नंबर दो सिम है ऊपर का जो दो सिम है, ठीक है मैं आप लोगों को मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये जो दो नंबर है आप लोग देख सकते हो, ये जो नंबर है ये जो दो नंबर है ये नंबर मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक है एयरटेल एक है जियो, जो कि दोनों मेरे नंबर नाम का है। तो गाइस ये जो अगला जो नंबर है, ये जो नंबर है इस नंबर को मैंने बहुत दिन पहले मैंने मैंने लिया था। ठीक है, तो अब मैं यूज नहीं करता, तो देखिए यहाँ पे फिलहाल यूज हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है यूज हो रहा है। ठीक है, तो गाइस आपका अगर आपने आपका नाम का अगर सिम है तो इस सिम आप यहाँ पे इंटर कर दोगे तो आपका नाम से कितना सिम है तो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए आप मेरा ये जो नंबर है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरा नहीं चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कंप्लेन भेजना होगा कि मैं ये नाम यूज नहीं करता हूँ, ये सिम यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो मैंने यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये मुझे चाहिए तो या एयरटेल का एक जियो का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो शोइंग नंबर्स, यहाँ पे आप लोग जो ट्रैकिंग यहाँ पे अगर आप क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आप इंटर करके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ तक की गई है। ठीक है, तो गाइस आपको तो ये बहुत ही कमाल कर देने वाली बात है कि आपका अगर नहीं जानते हो कि आपके नाम में कितना सिम रजिस्टर्ड है, तो किसी ने आपका डॉक्यूमेंट्स से सिम निकाला, आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं दुकान से आप जेरोक्स करते हो, ठीक है किसी ना किसी वजह से आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स आप देते हो, तो वो लोग अगर आपके साथ फ्रॉड कर दे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए गाइस आप इस ऑफसेट की मदद से आप लोग आपका आपके नाम से कितना सिम रजिस्टर्ड है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये हेल्प मिले और ये जो नोटिफिकेशन है सभी को मिल जाए। ठीक है, और सब अपना अपना देख सके कि उन लोगों का नाम में कितना सिम रजिस्टर्ड है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस नंबर को मैं कंप्लेन करना चाहूँ कि मेरा मैं अभी यूज नहीं करता, इसे बंद करना चाहूँ, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट आपको क्लिक कर देना। तो देखिए नो नंबर सिलेक्टेड फॉर रिपोर्टिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 700 जो जो नंबर है मैं यूज नहीं कर रही, तो इसे क्लिक करके दिस इज नॉट माई नंबर नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, तो आप क्या करना है दिस इज नॉट माई नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दिस इज नॉट माई नंबर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है इसका नेम भी डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम भी मांग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर नाम डाल के आपको यहाँ पे जिस नंबर आपको नहीं चाहिए आपको बंद करवाना है उसी को आपको यहाँ पे टिक मार्क दे देना है। ठीक है, आप ये जैसे इसे टिक मार्क देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है ऑप्शंस। ठीक है, तो आप अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिस इज नॉट माई नंबर पर आपको चूज करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आपको रिपोर्ट कर देना है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर आ गया और आपके मैसेज में भी यह नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसी नंबर इसे आप यहाँ पे आप कभी भी आप पेस्ट करके आपका जो स्टेटस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो है फिलहाल स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, तो वैसे कुछ दिन लगेगा, कुछ दिन और लोग वेरीफाई करेंगे उसके बाद ये डीएक्टिवेट करा देंगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बहुत कमाल का वेबसाइट है। ठीक है, और बहुत आपको मदद मिलने वाली है, आप अपना नाम का कितना सिम रजिस्टर्ड है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज इस तरह वीडियो आप जरूर पाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपका प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।
ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस।